लौटेंगे। बिहार में 11 बजे तक के लिए वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ अपडेट है उसको हम बता देते हैं। 11 बजे तक बिहार में 24.41% वोटिंग हो गई है। आपको बता दें कि खगड़िया की अगर हम बात करें, खगड़िया में अब तक 24.49% वोटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर सुपौल की बात करें तो वहां 25.98% वोटिंग हुई है। अररिया की बात करें तो यहाँ पर 25.97 यानी कि करीब 26% वोटिंग हुई है। मधेपुरा में अब तक 23.31% मतदान हुआ है। तो यानी कि जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर अब जाके संतोषप्रद कहे जा सकते हैं। ये पहले चार घंटे का आंकड़ा है बिहार में 11 बजे तक वोटिंग अपडेट 11 बजे तक जो सामने आया है। 24.41% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और राजेश देखा जाए, अगर हम शुरू के दो घंटों के मतदान प्रतिशत की जो बात कर रहे थे कि करीब करीब 11% था, वो अब दो गुना से थोड़ा ज्यादा हुआ है, 24.41% हुआ है। यानी कि दो घंटे में जो 9 बजे से 11 बजे का वक्त है, उन दो घंटों में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। पांचों सीटों की अगर हम बात करें बिहार में, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार जी बिहार झारखंड लोगों से अपील भी कर रहा है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्या वजह है कि बिहार में मतदान प्रतिशत तीसरे चरण में भी एक जो संतोषजनक होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो अभी आंकड़े हम दिखा रहे हैं उसके हिसाब से मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, चार घंटे में जो मतदान हुए हैं पांच लोकसभा क्षेत्र में, उसमें 24.41% के मतदान जो है वो ओवरऑल हुए हैं पांचों में। और अगर झंझारपुर की बात करें तो इसमें 22.39%, सुपौल में 25.98%, अररिया में 25.97%, मधेपुरा 23.31% और खगड़िया में 24.49% मतदान जो है वो हुए हैं। तो ये 11 बजे तक का जो टर्नआउट है वो वोटर्स का बूथ पे उसका ये परसेंटेज है। और अगर देखा जाए तो पहले दो घंटे में जो करीब 11% के आसपास का जो टर्नआउट था उससे दो गुना से ज़्यादा अगले दो घंटे में है। यानी कि जो 9 बजे से 11 बजे तक का जो वोट फीसदी है उसमें इजाफा हुआ है प्रथम दो घंटे के जो वोट गिरे हैं उस हिसाब से। और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, सुपौल में 25.98 और उससे कुछ एक ज़्यादा 25.97 अररिया में और सुपौल में 98 है। तो इस तरीके से सुपौल और अररिया में सबसे ज़्यादा जो वोट पड़े हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेकिन कमोबेश इसे संतोषजनक कहा जा सकता है दूसरे जगहों पे भी। तो 24.41% जो वोट है वो यहाँ पे कास्ट हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपने घर से निकले और मताधिकार का प्रयोग करें, इसको लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मतदाताओं से अपील की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार का जो वोट फीसदी है वो पिछले दो बार के जो मतदान हुए हैं दो चरण के, पहले और दूसरे चरण के, उससे ज़रूर इजाफा होगा। और यहाँ पे देखिए, नज़र जो है वो रखी जा रही है और तमाम जो लोग हैं वो पल पल की खबर ले रहे हैं बूथ पर। और चाहे वो मधेपुरा हो या फिर सुपौल हो, अररिया हो, झंझारपुर हो या फिर खगड़िया हो, तो इन जगहों पर पल पल की खबर ली जा रही है वेबकास्ट के जरिए, बूथ पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा टीवी चैनल्स जो हैं जी बिहार झारखंड को भी लोग यहां पे वॉच कर रहे हैं और जो कुछ सूचना मिल रही है उसके आधार पे त्वरित तौर पे कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ पदाधिकारी है निर्वाचन आयोग के यहाँ पे आनंद शर्मा जी, उनसे हम जान लेते हैं अभी तक का जो वोट फीसदी है उसको कैसे देख रहे हैं। नहीं, पॉजिटिव है। 24.41% हमारा 11 बजे तक हो गया है, जो कि 2019 के कंपैरिजन में 5% लगभग ज़्यादा है और यही मोमेंटम बना रहे। हम लोग सभी जितने भी हमारे इलेक्टर्स हैं सबसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि अपना लोकतंत्र में जो आपका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अवश्य पूरा करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल के आके वोट करें। एक जो मधेपुरा में दो बूथ जो है वहाँ पे बहिष्कार की बातें आ रही हैं, 187 और 73 बूथ जो है, इसको लेके भी कुछ संज्ञान? जिला पदाधिकारी महोदय से बात हुई है, सीनियर पदाधिकारी वहाँ पे मूव कर रहे हैं, बातचीत होगी और जहाँ तक है जो भी अगर रेजोल्यूशन आज के लेवल पे होने लायक होगा उसको करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन
इसके अलावा मैं उन दोनों बूथ के जितने भी मतदाता हैं उनसे पुनः विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है जो आज आपके पास है मतदान करने का। किसी भी कारण की वजह से आप उससे वंचित मत रहिए। जो भी इश्यूज़ है उसको हम लोग क्लोजली वॉच करेंगे, रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे और विभाग के स्तर पर रिजॉल्व होने वाला होगा उसको भी करवाएंगे आगे, लेकिन आप मतदान अवश्य करें। तीनों चरण में पल पल नज़र रख रहे हैं, पहले जो पहले दूसरे चरण के जो 11 बजे तक के जो टर्नआउट थे और आज जो है इसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, कंपैरेटिवली इट्स बेटर और उम्मीद यही करेंगे कि जो है जो फाइनल रिजल्ट हमारा आज VTR का हो वो भी जो है 2019 के कंपैरिजन में ज़्यादा हो। और लगातार स्वीप की एक्टिविटीज़ भी किया गया है, टीम एफर्ट रहा है, उसको हम लोग पॉजिटिवली जो रिज़ल्ट फाइनल आएगा वो इसका सीधा सीधा मापदंड होगा। तो अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा और बता रहे हैं कि किस तरीके से ये एक संतोषजनक है और पिछले जो दो चरण में मतदान 11 बजे तक को जो टर्नआउट थे उससे ये बेहतर है और आगे और भी बेहतर की उम्मीद की जा रही है। और साथ ही साथ एक बार हम कैमरे की नज़र से दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में एक जो कंट्रोल रूम बनाया गया है यहाँ पे पल पल की नज़र जो है वो रखी जा रही है। EBM को सांग बनाए गए हैं, इसके अलावा कहीं से भी किसी तरह की सूचना और शिकायत होती है उसको लेकर किस तरीके से संज्ञान में लिया गया है या उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसकी भी यहाँ पे नज़र और मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। वेबकास्ट चल रहे हैं और बूथों पर नज़र रखी जा रही है। 5000 से ज़्यादा कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं और साथ ही साथ जो हर एक लोकसभा क्षेत्र है उनमें अलग यहाँ पे बनाकर कोषांग जो है और उन लोकसभा क्षेत्रों को लेकर ख़ास तौर पे नज़र जो है वो रखते हुए वहाँ से आंकड़ा डाटा और जो कुछ अद्यतन सूचना आ रही है जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क में है तमाम पदाधिकारी। और इस तरीके से हर एक दो घंटे के जो चुनाव में जो मतदान हुए हैं उसकी प्रतिशत जो है वोटकास्ट का उसको कैलकुलेट किया जा रहा है और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जो है वो चल रहा है। बात करें अगर सुरक्षा की, नेपाल से जो सटे हुए तीन लोकसभा क्षेत्र हैं जिसमें मधुबनी की बात जो ज़िले हैं मधुबनी और इसके अलावा सुपौल और अररिया, अररिया का जो जोगबनी बॉर्डर है एक और जोगबनी यानी कि बिहार के साइड में और दूसरी ओर विराटनगर जो नेपाल के साइड में, इस पूरे इलाके को जो है वो सील किया हुआ है 48 घंटे तक के लिए, इस आवागमन समेत तमाम गतिविधियों को रोका हुआ है। जबकि आर्थिक जोन है ये जो जोगबनी बॉर्डर है अररिया का, चूँकि अररिया में चुनाव चल रहा है सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच चुनाव और कई स्तर पर। और साथ ही साथ अगर बात करें खगड़िया जैसे जो दियारा का इलाका है या फिर दूसरे क्षेत्र में, यहाँ पे घुड़सवारी के जरिए इन दियारा के इलाकों में नज़र रखे जा रहे हैं। नेपाल बॉर्डर पर खास चौकसी है और इसके अलावा 48 घंटों के लिए बॉर्डर जो है उसे सील किया गया है। चुनाव आयोग की ओर से और निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं तमाम वो यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। और पटना में लोकसभा चुनाव जो 5 सीटों पर चल रहा है तीसरे चरण का, उस पर हर एक गतिविधियों पर नज़र जो है वो रखी जा रही है और मतदाता घरों से बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, लोकतंत्र के इस महापर्व में उनकी भागीदारी हो ये सुनिश्चित करने को लेकर भी जागरूकता जो अभियान है वो भी चलाया जा रहा है। बिल्कुल रजनीश, तो जाहिर सी बात है कि लगातार हम पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। और अलीम, जिस तरीके से रुपेंद्र झंझारपुर के एक बूथ पर मौजूद थे और वहाँ जिस तरीके से हमने देखा कि बिल्कुल भीड़ नहीं थी, तो आंकड़ों में भी वो दिख रहा है, क्योंकि झंझारपुर में अगर हम देखें झंझारपुर में 22.39% यानी कि कम से कम 2% वोटिंग वहां पर कम हुई है। और एक अच्छी बात जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि उत्साह नहीं है, तो अधिकारी ने जो बताया कि 2019 के मुकाबले 11 बजे तक की जो वोटिंग है उसमें 5% का इजाफा है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। बिल्कुल, अब हो सकता है कि तीसरे चरण में आकर जो मतदान प्रतिशत है राजेश वो बढ़े भी। हम अगर देखें दो ऐसी सीट है सुपौल और अररिया, ये दोनों ऐसे सीट हैं जहां पर करीब करीब 26% मतदान हुआ है, और अगर इस हिसाब से मतदान प्रतिशत बढ़ता रहा तो मुझे लगता है उम्मीद की जानी चाहिए कि
60-65% के आसपास ये मतदान प्रतिशत होना चाहिए राजेश। और जो बिहार का इतिहास रहा है उसमें आप 60 से ऊपर अगर जाते हैं, जब पलायन इतना है, माइग्रेशन इतना है, उस हिसाब से आप 60 से ऊपर जाते हैं तो इससे अच्छी अच्छा वोटिंग का तरीका है, या आप कह सकते हैं कि बढ़िया वोटिंग इसको मानते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से पहले चरण में मतदान प्रतिशत महज 48-49% के आसपास रह गया था, 50% के करीब रह गया था, उस हिसाब से देखें तो अभी जो मतदान प्रतिशत है वो बेहतर है। राजेश, हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, पटना स्टूडियो का इस वक्त रुख कर लेते हैं। भोला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे जो अब तक के मतदान प्रतिशत हैं, 4 घंटे का मतदान प्रतिशत, 2 ऐसी सीट जहां मतदान प्रतिशत करीब 26% है लेकिन झंझारपुर और दूसरी एक जो सीट है खगड़िया, वहां पर मतदान प्रतिशत अभी उतने ही उत्साहजनक नहीं है, क्या वजह देखते हैं इन दोनों फैक्टर्स को लेकर? देखिए, इस बार कुल मिलाकर के देखा जाए तो मतदान प्रतिशत अच्छा है, पिछले जो 2 चरण का जो हम लोग देखे उसकी तुलना में काफ़ी अच्छा है। अब 2 कंस्टिट्यूएंसी की बात जहाँ तक आप बता रहे हैं, झंझारपुर का और उस दूसरे का, तो वो हो सकता है कि समय के साथ थोड़ा सा उसमें वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मतदान प्रतिशत आज जो बढ़ा है उसके पीछे सबसे अधिक मौसम के अनुकूलता है। मौसम आज बढ़िया, बाकी चीज़ें हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे, आपके चैनल की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था, मतदाताओं से अपील की जा रही थी, चुनाव आयोग की अपील हो रही थी, सरकार की तरफ से हो रही थी कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। लेकिन आज जो अचानक जो आप देख रहे हैं कि 4 घंटे में करीब 25% के करीब जो मतदान हुआ है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है आज के मौसम को मानना चाहिए। ये बात आ भी रही है अलग अलग सेक्टर से कि क्यों ना मतदान जो लोकसभा चुनाव है उसकी अवधि जो है वो 2 महीने घटा दी जाए, फरवरी और मार्च में की जाए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, वो कैसे संभव होगा, सर दलों से बात करके कैसे कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि अगर फरवरी और मार्च में चुनाव हो तो वोट परसेंटेज काफ़ी बढ़ेगा। इसके अलावा जो कुछ फैक्टर जो चरणों में चुनाव नहीं हुए ठीक से, तो एक तो मौसम का रहा और दूसरा जो है वो है कि उम्मीदवारों के प्रति मतदाताओं का लगाव, उनको लगता है कि एक तरह से उनको जो है उनके मन बीच का, उनके मन माफी का, उनके लिए काम करने वाला उम्मीदवार नहीं दिया जा रहा है। तो जैसे जो भी बड़े दल हैं वो कम से कम ये इतना ज़रूर करें कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए उनका एक परफॉर्मेंस देखे कि जो जीते हुए उम्मीदवार हैं अगर वो ठीक काम नहीं करें तो बदल दिया जाए। देखिए, भाजपा में 17 उम्मीदवार हुए लेकिन 2 को अगर छोड़ दें तो 15 को हूबहू रख दिया गया, तो एक तरह से वहाँ पर एंटी इनकमेंसी भी काम करता है और लोगों को लगता है कि हमारे बीच का आदमी आना चाहिए जो कि नहीं आता है। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है, जब जनता सीधे अपने उम्मीदवार से जुड़ेगी तो वोट परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगा। पिछले चरण में आप देखे थे कि पूर्णिया और कटिहार में जो है वो वोट परसेंटेज अच्छा रहा था, तो उसका कारण ये था कि जो मतदाता जो है वहाँ पर उत्साहित हुए और वोट परसेंटेज बढ़ा। तो उसी तरह से ये एक हम सबकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से वोट बढ़े, इसके लिए काम करना चाहिए। दूसरा कि जैसे सरकारी कर्मी जो होते हैं उनके लिए क्या कोई ऐसा उपाय किया जा सकता है, सरकार कुछ ऐसा कर सकती है कि उनको एक मैंडेटरी कर दिया जाए कि आप सरकार के कर्मी हैं, आपको वोट देना आपके जरूरी है एकदम, और आपको हर हाल में जाके वोट देना है, नहीं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन की भी बात की जाए कि उनके एक शोकॉज किया जाए कि भाई आपने क्यों नहीं किया, कारण अगर सही नहीं हो, अगर संतोषजनक नहीं हो तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण वही है कि किसी भी तरह से चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों से बात करके और एक ये तय करे कि भाई कैसे हम चुनाव का समय क्या होना चाहिए। तो अगर जो हम मई जून में चुनाव कराते हैं, जो शेड्यूल रखे हैं, उस चुनाव का शेड्यूल क्यों ना हम फरवरी और मार्च में रखे हैं, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है मतदान बढ़ने का। मौसम अनुकूल रहेगा तो मतदाता खुद ब खुद आएंगे मतदान करने के लिए। जी,
चलिए बिल्कुल, तो मतदान करने के लिए लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं, लेकिन एक उत्साह में जो कमी देखी जा रही है, हो सकता है मौसम की वजह से, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि जो शेड्यूल होता है वो मार्च के महीने में हो, तो अपेक्षाकृत कम भीषण गर्मी का सामना ना करना पड़े और उससे मतदान प्रतिशत बढ़े, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल ये स्थिति है कि लोग निकल रहे हैं, पहुँच रहे हैं। हम भी बार बार आपसे अपील कर रहे हैं, 5 साल में एक बार आपको ये मौका मिलता है।